सोए गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने गेमिंग चैनल में, जिसका नाम है गेम बॉय। और आज हम एक बार दोबारा से खेलने जा रहे हैं रशियन कार ड्राइवर यूएजी हंटर गेम। और जैसा कि आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा था कि एलेक्सी और मैंने एक केव स्टोर करा था, किसी लेडी की बकरी खो गई थी और एलेक्सी और मैंने अपनी चतुराई से उस बकरी को ढूंढ लिया था और उस लेडी को वापस दे दी थी। उसके बाद एलेक्सी को मैंने पुलिस स्टेशन छोड़ के इस होटल में थोड़ी देर के लिए सोने के लिए मैं आ गया था। बट अभी अभी मुझे एलेक्सी का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम जल्दी से इस लोकेशन पर पहुँचो। भाई ये पुलिस वालों के साथ काम करना ना बहुत ज़्यादा डेंजर है, कभी भी हमें जाना पड़ता है और अपनी कभी भी ना फाइट भी हो सकती है। तो अब तो मुझे जाना पड़ेगा एलेक्सी की दी हुई लोकेशन पे। मैं सोच रहा था यार अच्छा खासा सोते आराम करते, बट नहीं यार, अपनी किस्मत में आराम तो है ही नहीं। और ये अपनी गाड़ी पार्किंग में मैंने लगा दी थी, चलो इसमें बैठते हैं और एलेक्सी की दी हुई लोकेशन पे पहुंचते हैं। जिस लोकेशन पे हमने जाना है वो थोड़ी दूर है, बट दिक्कत की बात यह है कि अपने को ना ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। वो जगह ना किसी जंगल के बीचों बीच है जहाँ पर हमने जाना है। बट मुझे एक डाउट हो रहा है, क्या पता एलेक्सी ने उन डकैतों को पकड़ लिया जिसने वैसली का पैसा लूटा था, इसीलिए एलेक्सी हमें इतनी रात को बुला रहा है। एक तो इतनी घनी काली रात है और ऊपर से ना बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। और अब हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है, उसके बाद अपनी ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगी। भाई बड़ी मुश्किल है रात में बारिश के बीच ऑफ रोडिंग करना। और सामने ना भाई ये रेलवे लाइन है, तो मुझे ध्यान से गाड़ी को निकालना होगा। नाइस, तो हम आराम से यहाँ से निकल गए हैं। अभी अपने को 2 किलोमीटर आगे और जाना है। ओ भाई हमें तो ना यहाँ से ये नदी भी पार करनी पड़ेगी, अपने को कोई पुल वुल चाहिए। भाई बिना पुल के तो हम नदी पार ही नहीं कर सकते। ये बार देख लूँ, पुल तो होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या करेंगे यार, पैदल जाना पड़ेगा क्या अपने को। बहुत ही ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा, अगर अपनी गाड़ी स्कीड हो गई ना तो सीधा नदी में जाकर गिरेगी। बट यहाँ पर अपने को ये पुल है क्या? ओ गाइस अपने को पुल मिल गया, ये देखो ये रहा पुल। तो अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड लेते हैं, इस कैमरा एंगल से अपनी गाड़ी एकदम बढ़िया चलेगी, अपने को आगे का व्यू ज़्यादा मिलेगा। पुल कहाँ जावे, अभी तो यही पर था। ओ सॉरी गलती हुई, उस तरफ है पुल। मैंने कहा यार पुल का गायब हो गया, और यहाँ पर यह बोर्ड क्यों लगा है। और ये पुल देखो ये तो यार टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ से भी अपने को बहुत संभाल के गाड़ी निकालनी होगी। अबे यार ये एलेक्सी ने अपने को पता नहीं कहाँ बुला लिया, लगता है अपने को मार के ही मानेगा ये। चलो भाई भगवान का शुक्र है इस लकड़ के टूटे हुए पुल से ना अपनी गाड़ी सही सलामत आ चुकी है। और ये सामने क्या है, एक और पुल से जाना है क्या अपने को? नहीं नहीं एरो तो अपने को उस तरफ जाने के लिए बता रहा है, तो हमें इस पुल को पार नहीं करना, अपने को गाड़ी इस तरफ ले जानी है। और बस 1 किलोमीटर दूर है हम उस लोकेशन पे जहाँ पर अपने को एलेक्सी ने बुलाया है। और यहाँ पर तो खंभे लगे हैं और इसमें लाइट भी जलती है, यानी कि यहाँ पर कोई रहता है। यहाँ पर तो कोई अपने को बंदा नहीं दिख रहा और ना किसी का घर है, बट अपने को चलते जाना है हम। उफ ये लाइट कैसे चल रही है, लाल नीली लाइट चल रही है, यानी कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ है। हो सकता है कि भाई कोई यहाँ पर तगड़ा ही क्राइम हुआ हो, और सामने एम्बुलेंस भी खड़ी है। चलो भाई अपने को एक बार जाकर ना पूरा देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और एलेक्सी ने हमें इतनी रात को क्यों बुलाया है। पहले तो मैं चल के अपनी गाड़ी को यहीं पर सैर लगाता हूँ और उतर के एलेक्सी से बात करते हैं। वो देखो सामने ही एलेक्सी खड़ा हुआ अपना वेट कर रहा है। तो चलो गाइस हम अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं और यहाँ पर 2 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और पुलिस वाले भी खड़े हैं और सामने एलेक्सी है, उससे चल के बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है।
तो भाई मेरी एलेक्सी से बात हो चुकी है और कह रहा है सामने तुम जो हाथ निकले हुए देख रहे हो ना, वो एक डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी यहाँ के किसी जमींदार की है जो कि लोगों को मार पीट के धमका के उनकी जमीन अपने नाम कर लेता था। बट उस जमींदार को किसी ने मार के जमीन के अंदर ही गाड़ दिया, बट उसके दोनों हाथ बाहर निकले हुए हैं और उस हाथ में ना कोई नोट है, तो अपने को वही नोट लेकर आना है। यार इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे मंगवा लेना, मुझसे क्यों मंगवा रहा है। यहाँ डेड बॉडी दबी है, इसका नाम सुनते ही अपनी फट गई 64 हो रही है और ये मुझसे ही काम करवा रहा है। यार क्या करूँ मैं तो फंस गया। एक बार एलेक्सी को जाकर बोल दो कि ये नोट किसी और से मंगा लो, मेरी तो भाई बहुत फट रही है वहाँ पर जाने में। एलेक्सी कह रहे कुछ भी हो ये नोट तो तुम्ही को लाना है, तो चलो भाई चलते हैं। और ये कौवा यहाँ पे बैठ के काव काव कर रहा है, चल मैं निकल यहाँ से। और ये रहा नोट, जल्दी से मैं इस नोट को उठा लेता हूँ। तो फाइनली गाइस उस डेड बॉडी के हाथ से हमने वो नोट ले लिया है और उस नोट में एक लोकेशन है और हमें उसी लोकेशन पे जाना है। तो एलेक्सी तो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ चुका है, मैं भी चलता हूँ और गाड़ी में बैठ के चलते हैं उस लोकेशन पे। ये एलेक्सी को ना हर काम की जल्दी रहती है, देखो भाई कितनी जल्दी जाकर गाड़ी में बैठ गया, मेरा वेट भी नहीं करा। हाँ भाई चले भाई। और ये बारिश भी बहुत तगड़ी हो रही है, तो हमें जाना है उस लोकेशन पे। और वो लोकेशन ना यार जंगल में ना हो, कहीं सिटी टाइप के एरिया में हो। जंगल में तो भाई रात को गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है और ऊपर से ये इतनी तगड़ी बारिश भी हो रही है। वैसे वो लोकेशन 2 किलोमीटर दूर है। आगे का कुछ भी नजर नो। ओ भाई ओ यार अपनी गाड़ी ठुक गई। आगे ये पेड़ गिरा हुआ था, मुझे दिखा नहीं। अच्छा ये पेड़ ने अपने को बचा लिया, वरना हम सीधा इस नदी के अंदर गिर जाते। वैसे जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। गाड़ी को लेते हैं थोड़ा बैक और अब मैं ना बिल्कुल आराम आराम से जाऊंगा। अपने को इस मोड़ पे गाड़ी चलानी है ताकि आगे का साफ नज़र आए। तो अब तो मुझे एकदम थोड़ा ठीक ठीक नज़र आ रहा है। तो गाइस हमें जाना है इस नदी के उस पार, में एक पुल ढूंढ रहा हूँ और फाइनली अपने को ये पुल मिल गया है। इस पुल के ऊपर से भी अपने को आराम आराम से चलानी पड़ेगी। ये वुड का पुल है और सारा गला पड़ा है, टूटा पड़ा है, तो मैं बहुत प्यार प्यार से गाड़ी चलाऊंगा। शुक्र है अपनी गाड़ी सही सलामत इस पुल से पार हो गई और ये पुल टूटा नहीं। और अब अपने को जाना है लेफ्ट साइड, बट आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो मैं सीधे ही चलता हूँ पहले। पता नहीं यार और कितना घूमना पड़ेगा, वो लोकेशन अपने को मिल ही नहीं रही। वैसे वो ज़्यादा दूर नहीं है और देखो एक और वुड का पुल है, तो चलो इसे भी आराम से पार करते हैं। और वैसे वो लोकेशन आई गई। फाइनली गाइस अपने को मिल गई वो जगह जहाँ पर अपने को जाना था। और ये देखो ओ भाई इस घर में आग कितने लगाई, ओ तेरी की पूरा घर ही जल गया। ये तो अपने को यहीं पर जाना है, बट हम क्या करेंगे इस आग के अंदर जाकर, हमें किसी की जान बचानी है क्या यहाँ पर। तो एक बार उतर के देखते हैं। और ये देखो भाई पूरे घर में आग ही आग है, बट अपने को यहाँ पर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा हो। अपने को इस तरफ जाना है और एलेक्सी भी यहीं पर खड़ा हुआ है। चलो इससे पूछते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो अभी मेरी एलेक्सी से बात हुई है और वो कह रहा है कि यहाँ पर ना एक नोट और पड़ा है, तुम जाकर उठाओ और देखो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। भाई ये सारा काम हमसे कराता है और देखो आज के बीच मुझे वो नोट उठाने के लिए भेज रहा है, तो मैं क्या करूँ, अपने को जाना ही पड़ेगा इसके अंडर काम जो कर रहे हैं हम। ये नोट कहीं और नहीं रख सकता था, जरूरी था इस आग के अंदर रखना। मैं से उठाऊँ कैसे, अपने को बैठ के उठाना पड़ेगा इस नोट को।
तो फाइनली गाइस हमने उस नोट को उठा लिया और वो नोट था किलर का। उस किलर ने ही इस घर में आग लगाई है क्योंकि ये घर ना उस इंसान का था जिसका मर्डर हुआ है और जो लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करता था, लोगों पे जुल्म करता था और जबरदस्ती उनसे पैसे लेता था। गुस्से में आकर किलर ने उसको मार दिया और उसके घर में आग लगा दी। वैसे तो अभी अपने को कातिल के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, बस उसके अपने को नोट मिले हैं उसने उसको क्यों मारा और क्यों इसके घर में आग लगाई। तो अब मैं जा रहा हूँ एलेक्सी के घर उसे छोड़ने के लिए और एलेक्सी कह रहा है कि तुम भी अपने घर जाना, आराम करना थोड़े दिन। अच्छा है यार, एलेक्सी ने अपने को थोड़े दिन की छुट्टी दे दी, हम भी अपना घर जाएंगे, मस्त आराम करेंगे, चिल करेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो बस गाइस इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।